व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एंथनी बर्जेस के क्लॉकवर्क ऑरेंज इस नोवेला के बारे में। ये 1962 में पब्लिश हुई थी और ये एक साइफाई डिस्टोपियन नोवेल है। बट हालांकि मैं इसे साइफाई भी नहीं मानता और डिस्टोपियन नोवेल भी नहीं मानता, मैं इसे एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी मानता हूँ। और उसके काफ़ी सारे रीजन्स है, पर आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो क्लॉकवर्क ऑरेंज में हमारा मेन कैरेक्टर है एलेक्स, एक 15 साल का नॉटी लड़का, और उसके तीन दोस्त जिनके साथ वो बहुत सारी वायलेंट एक्टिविटीज़ करता है, जिसमें रॉबरी, होम इन्वेजन, रेप, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड रेप और चोरी, लूटमार, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। और इस एलेक्स की जो स्टोरी है, एलेक्स खुद हमें नैरेट कर रहा है, वो खुद को एक यूअर हम्बल नैरेटर करके कहता है और पूरी स्टोरी बताता है। एलेक्स की जो स्टोरी है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को छुपा नहीं रहा है, उसके वायलेंट एक्ट्स को, उसके वायलेंट डीड्स को वो छुपा नहीं रहा है। और मैं इसे एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी इसलिए कहता हूँ क्योंकि एलेक्स जो है ओपनिंग फ्रेम में, ओपनिंग पेज में वो 15 साल का है और जब स्टोरी फिनिश होती है वो 18 साल का है। और इस 3 साल के ड्यूरेशन में बहुत से चेंजेस होते हैं, उसकी कैरेक्टर की बहुत सी डेवलपमेंट होती है और बुक काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें पूछती है। ये बुक बहुत प्रचलित नहीं थी जब ये आई थी 1962 में, 1972 में या 71 में स्टैनली कुब्रिक ने इसके ऊपर फिल्म बनाई थी, क्लॉकवर्क ऑरेंज विद सेम नेम, और उसकी वजह से ये बुक काफ़ी फेमस हुई थी। पर्सनली मुझे वो फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और एंथनी बर्जेस को खुद को भी वो फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें जो मेन जो सार है इस बुक का, जो मेन थीम्स हैं, उनको परवर्ट किया गया है, परवर्जन हुआ है उनका, कुछ चेंजेस किए गए हैं, और जिस वजह से उस मूवी के, इस बुक के जितने भी आइडियाज़ हैं वो लोगों को मतलब मिस इंटरप्रेट करते हैं लोग उसे, और पूरे वर्ल्ड को इस मिस इंटरप्रेट करते हैं लोग, क्योंकि हम उस मूवी की जो इमेजरी है उससे इस वर्ल्ड को अटैच कर देते हैं। तो मैं इस पूरे वीडियो में मैं एक भी फ़ोटो यूज़ नहीं करने वाला हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस बुक को आप पढ़ेंगे उससे पढ़ो, पर उससे पहले वो मूवी आप बिल्कुल भी मत देखिए। आप बुक पढ़ने के बाद मूवी देख सकते हैं, इट्स ओके, गुड फिल्म बट नॉट एज ग्रेट एज दिस बुक। तो एलेक्स जो है, तो एलेक्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, और हमें सिर्फ वायलेंस नहीं दिखाया गया तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं डायरेक्टली इस बुक के थीम्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इस बुक के बारे में बिना इसे स्पॉइल किए हम कुछ बात नहीं कर सकते। तो बेसिकली एलेक्स और उसके जो तीन दोस्त हैं, जॉर्ज, पीट और डिम, ये अपनी वायलेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, रोज़ जाके वो रोज़ ये रेप वगैरह करते हैं, रॉबरीज करते हैं, फिर तीन टाइप के ड्रग्स इस वर्ल्ड में हमें बताए गए हैं, उस तीन टाइप के जो ड्रग्स है उसमें से एक ड्रग जो है वो दूध में डालकर लिया जाता है, तो ये लोग दोनों तीनों ड्रग्स लेके उस पूरे नशे में धुत होकर ये सब चीज़ें करते हैं। और 15 साल के लड़के इतनी वायलेंट एक्ट्स कैसे कर पाते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक डिस्टोपियन और साइफाई नॉवेल कहा जाता है, बट मुझे नहीं लगता, बट इट इज़ ए नॉट वेरी साइफाई बट इट इज़ अ डिस्टोपियन नॉवेल, और डिस्टोपिया का जो अर्ली फेज है वो इसमें है। तो बाकी के डिस्टोपियाज में लोगों की जो लिबर्टी होती है, एजेंसी होती है, फ्रीडम होती है, वो उनसे छीन ली जाती है, बट क्लॉकवर्क ऑरेंज में एलेक्स जो है वो बेसिकली GTA का मेन कैरेक्टर है, ठीक है, टॉमी या फिर अपना CJ, तो उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है और उस बहुत ज़्यादा फ्रीडम से वो ये सब चीज़ें करता है। और सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, बट वो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर, इन लोगों को पकड़ने में अयशस्वी है, फेलियर है उनका। और तो इसलिए इस बुक को एक डिस्टोपियन नॉवेल कहा जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें कुछ सेंटेंसेस से रिमाइंड किया जाता है कि एलेक्स और उसके दोस्त जो सब चीज़ें कर रहे हैं वही सब चीज़ें बाकी की सराउंडिंग में भी हो रही है, और
बुक में एक लैंग्वेज है नैडसेट करके, तो एलेक्स 15 साल का है, उसके दोस्त भी लगभग उससे 2-3 साल बड़े हैं, और ये जो टीनेजर्स हैं, ये टीनेजर्स नैडसेट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो एंथनी बर्जेस खुद एक लिंग्विस्ट है, तो इस बुक का जो वायलेंस है बहुत ज़्यादा वायलेंट बुक है ये, पर आप जब पढ़ोगे तब आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बुक स्टार्टिंग में आपको कुछ समझेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें जो एलेक्स जो है वो नैरेट कर रहा है स्टोरी, और उस वो नैडसेट लैंग्वेज को यूज़ करता है। नैडसेट एक टीनेजर्स की लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में, क्लॉकवर्क ऑरेंज के वर्ल्ड में, और ये लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और रशियन का मिक्सचर है। इसमें अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन वर्ड्स को मिक्स करके एंथनी बर्जेस ने डिफरेंट लैंग्वेज बनाई है, ताकि लोगों को इस बुक, ये बुक डिसगस्टिंग ना लगे, ताकि लोग इसे पढ़ पाए। अगर ये लैंग्वेज इस बुक में नहीं रहती तो आप इस बुक को नहीं पढ़ पाते। मोस्टली बहुत से लोगों को ये बुक बहुत हेवी लगती है, क्योंकि ये हेवी बुक है। इसमें जो आइडियाज़ है, मतलब कि इसमें जो चीज़ें एलेक्स करता है वो इनह्यूमन है, प्योर इविल कैरेक्टर कहूँगा मैं एलेक्स को। पर जब एलेक्स ये सब बातें हमें बता रहा है, तो एलेक्स हमारा नैरेटर है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें फील होती हैं, हम उसे सिंपथाइज करते हैं, नॉट इन द सेंस दैट वी वॉन्ट हिम टू बी लाइक टू बी इन गुड कंडीशन, गुड शेप। मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि एलेक्स की स्टोरी कहाँ जा रही है। I don't care about Alex. I just want to see where the story is going. तो ये एक एंथनी बर्जेस सक्सीड हुई है इस कैरेक्टर को बनाने में, और मेरी फेवरेट, मतलब कि ये बुक काफ़ी सेटिस्फाइंग है, मेरी फेवरेट कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, और मुझे कमिंग ऑफ एज स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, किसी भी मीडियम में, फिल्म हो, कार्टून हो या फिर बुक्स हो। तो नैडसेट एक थीमेटिक एलिमेंट है इसमें, जो लैंग्वेज है, और ये जो लैंग्वेज है वो हमें ये भी बताती है कि वो सिर्फ टीनेजर्स तक सीमित है, टीनेजर्स ही नैडसेट को यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों के, हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में हमारी जो लैंग्वेज है यूथ की, अभी मैं तो टीनेजर नहीं हूँ, मैं यूथ हूँ, तो बट मुझसे छोटे लड़के क्या बात करते हैं कभी कभी मुझे नहीं पता चलता। तो ये नैडसेट जो है, और जो बाकी वर्ल्ड, बाकी जो लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही है क्लॉकवर्क ऑरेंज के वर्ल्ड में, यह हमें एक ये भी दिखाती है कि जो सोसाइटी है और जो यूथ है वो कितनी डिवाइडेड है, वो कितनी डिटैच्ड है, और उनमें कितना गैप ऑफ कम्युनिकेशन है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। क्योंकि एलेक्स के पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि हमारा बच्चा किस फेज में से गुजर रहा है। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड थीम ऑफ दिस बुक, कि जो सोसाइटी जो है, तो एलेक्स जैसे वायलेंट लोग, एलेक्स, जॉर्ज, पी, डीन जैसे वायलेंट लोग और वायलेंट एक्ट्स इन बॉर्न नहीं रहते, ठीक है, इननेटली कोई भी इविल नहीं रहता, लाइक वी हैव द फ्रीडम, वी हैव द एजेंसी टू चूज बिटवीन गुड एंड इविल, टू बी गुड, टू बी बैड, टू बी ब्लैक, टू बी वाइट। बट सोसाइटी का जो एक मॉरल कंपस, सोसाइटी एक सोशल स्ट्रक्चर जो है, वो कभी भी एक मॉरल कंपस हमें बताती रहती कि क्या गुड है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लॉकवर्क ऑरेंज के वर्ल्ड में ये जो मॉरल कंपस है, मॉरल स्ट्रक्चर जो है, वो काफ़ी करप्ट हो चुका है। एलेक्स के माँ बाप है वो भी मॉरली करप्ट है। एलेक्स ऑलरेडी एक बहुत ही वायलेंट लड़का है, उसके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, तो उसका जो काउंसिलर है वो खुद भी एक काफ़ी करप्ट इंसान है, जो एलेक्स जैसे लोगों, लाइक ही इज़ बेसिकली अ पेडोफाइल। और एलेक्स बाद में एलेक्स को पकड़ा जाता है और फिर उसे फेडरल इंस्टीट्यूशन में, जेल में रखा जाता है। तो जेल का भी जो स्ट्रक्चर है, वो जेल एज अ मॉरल, लाइक रोल ऑफ अ जेल और अ प्रिजन इज़ टू मेक पीपल बेटर, ठीक है, उनको अच्छा बनाना, उनकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको स्ट्रेट करना है। बट क्लॉकवर्क ऑरेंज में, जेल में काफ़ी अलग सी चीज़ें होती हैं, जब आप बुक पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो एक जो गुड का जो परवर्जन है, वो इस बुक में एक कॉन्स्टेंट थीम है। और जो विक्टोरियन मॉरल्स हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब विक्टोरियन मॉरल्स जो हैं वो कम होते जा रहे थे, ऐसा वर्ल्ड को लग रहा था और एंथनी बर्जेस को भी। तो वो जो फियर है कि मॉरल वैल्यूज़ निकल जाने का और बहुत सी लिबर्टी इंसान के पास आने का, वो फियर हमें इस बुक में दिखाई देता है।
थर्ड में कहूँगा कि बुक में बिब्लिकल थीम्स है कुछ, तो इस बुक में 21 चैप्टर्स है, तो उसका एक बिब्लिकल सिग्निफिकेंस है। और इसमें दो चीज़ें हैं, दो इंटरप्रिटेशन है बुक्स के और बाइबल के और क्राइस्ट के। तो एक इंटरप्रिटेशन ये है कि एलेक्स जो है ही इज़ अ स्टैंड इन फॉर जीजस और अ मसाया हु इज गोइंग टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द सिंस ऑफ द सोसाइटी की। जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी जो है वो मॉरली करप्ट है, और एलेक्स का जो कैरेक्टर है सोसाइटी में एक कि आपके पास एक चॉइस होना ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, एक एजेंसी होना। वो एजेंसी आपको गुड चीज़ें करने की भी हो सकती है, बैड चीज़ें करने की भी हो सकती है। तो एलेक्स के पास वो है कि एलेक्स इज चूजिंग टू बी अ इविल पर्सन, टू बी अ इविल ह्यूमन बींग, टू बी अ बैड ह्यूमन बींग। बाकी के जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही सबमिसिव है, और वो स्टेट के मतलब कि एक शीप मेंटेलिटी या हर्ड मेंटेलिटी जो रहती है, दे आर शीपल्स बेसिकली। एलेक्स इज नॉट ए शीपल, ही इज अ वुल्फ। हाँ, तो जो दो इंटरप्रिटेशन है, तो एलेक्स जो है इज अ स्टैंडिंग फॉर क्राइस्ट और अ मसाया कैरेक्टर। और तो एलेक्स को ऑल मतलब कि पूरी स्टोरी में एलेक्स को यूज़ किया जाता है बहुत से लोगों के द्वारा, और जो लोग एक डिस्टोपिया में मॉरली अपराइट होने चाहिए, जो मॉरल्स को वापस लेकर आने चाहिए, जो लोग लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी का पाठ पढ़ाने वाले लोग होने चाहिए, जैसे कि आर्टिस्ट है या फिर राइटर्स है, तो जो भी ये सब लोग हैं लिबर्टी वाले, या फिर लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस है, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, तो ये लोग भी जो मॉरली राइट होने चाहिए वो एलेक्स का एज अ सेक्रीफिशियल लैम्प यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जो इंस्टीट्यूशन है, फेडरल इंस्टीट्यूशन है, वो भी एलेक्स को एज अ सेक्रीफिशियल लैम्प की तरह यूज़ करने का सोचते हैं। तो एलेक्स इज़ बेसिकली अ स्टैंड इन फॉर क्राइस्ट। बट मुझे ज़्यादा ऐसे लगता है कि बुक हमें ये पूछती है, आर यू रेडी टू फॉरगिव एलेक्स। तो बाइबल का लाइक न्यू टेस्टामेंट का बेसिकली फंडा ये है कि फॉरगिवनेस। तो आज आप इतना सब पढ़ के एलेक्स के बारे में, क्या आप एलेक्स को फॉरगिव कर सकते हैं? डू यू हैव दैट मच कि इतना बिग हार्ट है आपका, इतना अच्छा बड़ा माइंड है आपका कि आप एलेक्स जैसे वायलेंट क्रिमिनल को या वायलेंट टीनेजर को एक सेकेंड चांस दे पाओगे वर्ल्ड में? क्या आप उसकी आपको फेथ है बेसिकली उसमें कि देयर इज़ गुड एंड इविल प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बींग, और एलेक्स शायद फ्यूचर में अच्छा भी बन सकता है। अब जब आप बुक पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि एलेक्स के साथ बेसिकली क्या होता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक मैं स्पॉयलर और एक स्पॉयलर है, एलेक्स जब प्रिजन में होता है तो जो ये क्वेश्चन है मॉरेलिटी का और लिबर्टी का और एजेंसी का, लाइक देर शुड बी फ्रीडम टू चूज बिटवीन टू थिंग्स, तो इंस्टीट्यूशन जो है, तो एक सोसाइटी का एक बेसिकली बड़ा फेलियर इसमें दिखाया गया है। जब एलेक्स को जेल होती है तब एलेक्स एक फेडरल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक नई टेक्निक लूडोविको टेक्निक डेवलप करता है। इस लूडोविको टेक्निक से क्या होता है, तो जो भी क्रिमिनल्स है उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, या फिर उनको एक क्या कहते हैं ना, एक्लिमेटाइज किया जाता है, या फिर उनको टीच किया जाता है उनकी बॉडी को कि जब भी वो कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ देखेंगे तो उनको बॉडी पेन होगा, स्टमक एक होगा, बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, और इस वजह से क्या है ना कि ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना छोड़ देंगे और अपटाइट सिटीजन्स बनेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ को मिटाना या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये छोड़ के सोसाइटी क्या करती है, तो जो ऑलरेडी एक करप्ट बंदा है उसको सोसाइटी खुद करप्ट बना रही है। लाइक द इंस्टीट्यूशन इज ट्राइंग टू करप्ट दैट मैन फर्दर डाउन। तो खुद इंस्टीट्यूशन भी कितना करप्ट है, और फिर जो ग्रैंडियर है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी सोसाइटी का कि वी आर गुड, तो वो गुडनेस जो है वो गुडनेस नहीं है। यू आर टेकिंग लिबर्टी अवे फ्रॉम अ यूथ या फिर अ क्रिमिनल। सो एवरीवन डिजर्व्स टू हैव दैट एजेंसी टू चूज। जो टाइटल है अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, तो अ क्लॉकवर्क क्या रहता है? क्लॉकवर्क मतलब कि कॉक्स एंड
गियर्स जो हमारे घड़ी में रहते हैं, किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में रहते हैं, तो गॉड जब हमें बर्थ देता है तो हमें वो मांस और खून और इन सब चीज़ों से बनाता है। बट हम लोग जो है, ह्यूमंस जो है, वो इस मांस को, इस इंसान को एक सोसाइटी में बिठाने की कोशिश करते हैं, उसे एक मशीन को, बेसिकली एक संतरे को, एक ऑरेंज को, एक ऑरेंज तो ऑरेंज है बट हम उसमें कॉग्स और मशीन्स मैकेनिक्स डाल के उसे हम लोगों का क्लॉकवर्क ऑरेंज बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो ऑरेंज है वो एलेक्स है या फिर ह्यूमन बींग्स है, और सोसाइटी टाइम टू टाइम कोशिश करती है कि लोगों को एक मशीन, एक शिप बनाया जा सके जो सोसाइटी के वैल्यूज़ को, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करेगा, और वो सही नहीं है। तो बेसिकली दिस बुक इज़ ऑल अबाउट लिबर्टी एंड ऑल दैट। तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि एलेक्स जो है वो म्यूज़िक का बहुत बड़ा शौकीन है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि एलेक्स का जो डायलेक्ट है वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, दो तीन लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोल पाता है, बाकी के लोग नहीं बोल पाते, मतलब कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। और सेकेंड जो चीज़ है कि उसका जो नॉलेज है म्यूज़िक को लेकर वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी वास्ट है। उसे जो क्लासिकल म्यूज़िक है, बीथोवन है, मोजार्ट है, बाक है, ठीक है, इन सब के बारे में बहुत नॉलेज है, पर उसे पॉप म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सोसाइटी पॉप म्यूज़िक की तरफ जा रही है और एलेक्स जो है वो पुराने म्यूज़िक को लेकर बैठा है। तो एंथनी बर्जेस खुद एक कंपोज़र भी है, म्यूज़िक कंपोज़र भी है, तो मुझे एक्चुअली म्यूज़िक के बारे में, मतलब कि क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में इतना नहीं पता है। मुझे कुछ कुछ सिम्फनीज पता है जो नॉर्मली यूज़ की जाती है फिल्मों में, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने इसमें मिस कर दी मैंने, तो मुझे नहीं समझ में आता म्यूज़िक के बारे में जब एलेक्स बात करता है ज़्यादा। बट वो क्या कहना चाहता है वो आपको ज़रूर समझेगा, इवन दो यू आर नॉट अ बिग म्यूज़िक अफिशियोनाडो। और अभी हम फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो फिल्म का ऐसा फंडा है कि बुक में 21 चैप्टर्स है, और जो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। और जब US में ये बुक पब्लिश हुई थी तो इसके 21st चैप्टर को पब्लिशर्स ने रिमूव कर दिया था। तो US में इस बुक का अनटिल 2006 आई गेस इसमें सिर्फ 20 चैप्टर्स थे, 21st चैप्टर नहीं था। और ऑल ओवर वर्ल्ड सब, हम लोग सब इसे 21st चैप्टर से ही पढ़, मतलब कि 21st चैप्टर्स पूरे पढ़ रहे थे। तो स्टैनली कुब्रिक की जो फिल्म है तो उसमें वो स्टैनली कुब्रिक ने खुद फिल्म बनाते वक्त अमेरिकन वर्जन पढ़ा था, अमेरिकन पब्लिकेशन पढ़ा था, तो उसमें 20 चैप्टर्स थे। तो वो जो फिल्म जो है वो बेसिकली इनकम्प्लीट है, और मुझे बहुत सी चीज़ें उसमें पसंद नहीं आई क्योंकि वो फिल्म मुझे ना काफ़ी एम्प्टी लगती है। मैंने बहुत सालों पहले देखी थी, मुझे वो फिल्म काफ़ी एम्प्टी लगती है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्ट्स को ग्लोरीफाई किया गया है एलेक्स के। और मुझे पर्सनली जो, मतलब कि स्टैनली कुब्रिक इज़ अ वेरी सेल्फ इंडल्जिंग डायरेक्टर, और कभी कभार मुझे सेल्फ इंडल्जिंग डायरेक्टर अच्छे लगते, कभी कभार नहीं लगते। स्टैनली कुब्रिक इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, बट वो फिल्म बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और इस बुक को वो पूरा तबाह कर देती है, लाइक डिस्ट्रॉय कर देती है बुक के आइडियाज़ को। तो उसमें जो मेन थीम है सोसाइटी और जो मॉरल वैल्यूज़ और जो फ्रीडम है वो सब निकल जाता है। और फिल्म में जो एक फेडरल इंस्टीट्यूशन का जो ये है स्ट्रक्चर है या फिर फेलियर है, उस पर ज़्यादा फोकस ये दिया गया है, लाइक इट फोकस इज मोर ऑन द डिस्टोपियन पार्ट ऑफ एन ऑथोरेटिव रेजिम या फिर एक ऑथोरिटी दैन द सोसाइटी इट्सेल्फ और द सोशल वैल्यूज इट्सेल्फ। तो ऐसे ही सब चीज़ें हैं। मैंने फिल्म तो बहुत सालों पहले देखी थी, और भी कुछ रहेगा तो मुझे पता नहीं है। और हाँ, जो ये कवर है इसमें ग्लास ऑफ मिल्क दिखाया गया है, वो ग्लास ऑफ मिल्क उस मूवी की वजह से ही दिखाया गया है क्योंकि उस मूवी में ये ग्लास ऑफ मिल्क एक इम्पॉर्टेंट आइकोनोग्राफी है जो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है वर्ल्ड और एलेक्स में। और उस मूवी में एलेक्स काफ़ी बड़ा दिखाया गया है। उससे क्या होता है ना कि जो एक्चुअल इम्पैक्ट है इस कैरेक्टर का कि 15 साल का लड़का इतना कुछ कर रहा है, वो इम्पैक्ट भी निकल जाता है क्योंकि उसमें एलेक्स 25 साल का दिखता है। ठीक है, एक्टिंग बहुत सही की है एक्टर ने, बट
He's a 15-year-old kid in this book and in movie he's like 25-year-old kid. सर सब है, मैंने ये बुक 2017 में पहली बार पढ़ी थी और तब मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया था जितना मुझे इस टाइम आया, क्योंकि एज अ ग्रोन अप आई कैन रिलेट टू एलेक्स, नॉट इन द सेंस दैट आई वॉन्ट टू रेप चिल्ड्रन, बट जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है एलेक्स की और जो एंडिंग है, जो 21st चैप्टर है, वो काफ़ी सुंदर है और वो बहुत सी चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर कर देता है. तो इट्स अ वेरी गुड बुक और मेरी फेवरेट बुक्स में से ये एक है और इसे आप बिल्कुल भी मत छोड़िए. आप कुछ स्टार्टिंग के पेजेस पढ़ोगे जिसमें नैडसेट, मतलब कि पूरे बुक में एलेक्स नैडसेट लैंग्वेज से में ही बात करता है, बट नैडसेट लैंग्वेज आपको कुछ पन्ने आप पढ़ोगे, 20-25 तो आपको नैडसेट क्या लैंग्वेज है ये पता चल जाएगा, आप उन वर्ड्स को समझ पाओगे. तो मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए इस बुक के जो मुझे कहने थे. आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए. मैंने बहुत कुछ ज़्यादा स्पॉइल नहीं, मैंने तो बेसिकली कुछ किया भी नहीं है स्पॉइल. इसमें बहुत से इवेंट्स है, बहुत से लाइक देयर इज़ अ सर्कल रनिंग इन दिस बुक, बहुत सी चीज़ें कैसे होती है अनफोल्ड, काफ़ी बढ़िया है. तो आप इसे ज़रूर पढ़िए. आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.